हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की नई गाइडलाइंस आ चुकी है। 8 जून को ये गाइडलाइंस आई है, तो आज शाम को ये गाइडलाइंस आई है। तो इस गाइडलाइंस में देखते हैं, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और क्या नए नियम है, कुछ में ढील दी गई है या नहीं दी गई है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिल जाए। इससे पहले, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बात कर लेते हैं हम परिवहन की। तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट विद 100% ऑक्यूपेंसी। तो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है आप काम कर सकता है, सब्जेक्ट टू SOP इशूड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो भी STD ने शुरू की है उसके अकॉर्डिंग। पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू स्टेट बाय एयर, बाय बस, रेलवे एंड प्राइवेट व्हीकल टैक्सी, उनको क्या करना होगा, जो भी किसी भी मोड से अगर आप आ रहे हैं तो ई पास बनवाना होगा। साथ ही आपको 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर आपके साथ ड्राइवर, कंडक्टर या हेल्पर है उसकी भी रिपोर्ट आवश्यक है। ये गाइडलाइंस एज इट इज है। इसके बाद आप सार्वजनिक परिवहन का अंतर राज्य आवागमन 100% कैपेसिटी के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के अधीन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड और अनलोड करने की अनुमति होगी। समस्त होलसेलर, रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने और उतारने की अनुमति होगी। तो ये गाइडलाइंस है दोस्तों, जो कि 6 जून को गाइडलाइंस दी गई थी, जिसके अलावा जो निर्देश हैं वो यथावत रहेंगे, बाकी निर्देश जो हैं निरस्त कर दिए गए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।